नगर निगम रीवा के परिषद अध्यक्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष मनोनीत कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा को बनाया गया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई पार्षदों ने खुशी जाहिर की है। परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के 25 पार्षदों के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता देंगे। दीनानाथ वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के लिए कार्य कर रही है और करती रहेगी। अगर नगर निगम महापौर और उनकी MIC किसी भी प्रकार के विकास में बाधा बनेगी तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। आइए सुनाते हैं दीनानाथ वर्मा ने क्या कहा है। हम सबसे पहले तो हम लोगों का उद्देश्य जो है शहर का विकास, माननीय मंत्री जी के साथ मिलके और अपने पार्षद दल के साथ मिलके शहर के एक एक वार्डों का विकास जो भी रुका हुआ था उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है शहर के अंदर हम लोग निरंतर विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास की ही गाथा ही लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे परिषद के अध्यक्ष जो हैं आदरणीय वेंकटेश जी और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं हमारे 26 के 26 हम उनके साथ मिलकर पूरी तरह विकास का कार्य करेंगे। हमारा तो प्रयास है साथ में सबका साथ सबका विकास। हम तो अपेक्षा करते हैं कांग्रेस के सभी पार्षदों से और उनके महापौर से कि वो हमारा साथ देंगे। हमारी परिषद की बैठक 16 तारीख से प्रारंभ है। आपको उसी दिन सबका साथ सबका विकास वाली जो हमारी नीति है उसका आपको उस दिन दिख जाएगी झलक कि हम सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे और उसी दिन हमारा जो एजेंडा है उसको संपूर्ण सबको साथ मिलके उसको पास करेंगे।